वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं और किस तरह से इन दोनों में अंतर है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना सबसे फर्स्ट पॉइंट जिस पे ये दोनों डिफरेंट हैं इज नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर आपने इंटरनेशनल वीडियो बिजनेस की मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इंटरनेशनल बिजनेस, मैं आपको बता दूँ, वैसा बिजनेस जो अपनी कंट्री से बाहर जा कर के किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में किया जाता है, एक सिंगल कंट्री की बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं होता है। और डोमेस्टिक बिजनेस यही वही उसका ऑपोजिट होता है, जो एक कंट्री के अंदर उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर किया जाता है। सो इस तरह से दोनों बिजनेस आपस में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस इंडिया के अंदर रह के किया जा रहा है, इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर रह के किया जा रहा है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में किया जा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस विल बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक बिजनेस। बट सपोज इफ दैट बिजनेस इज अंडरटेकन थ्रू डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इट मीन्स What is the nationality of buyers and sellers? Nationality means the citizenship or the nation from where the citizenship is given to the buyer. Suppose if a person is doing a domestic business, तो वहाँ जो नेशनैलिटी होती है बायर्स की वो सेम होगी। सपोज इफ अ पर्सन इज़ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो जितने भी लोगों के या जितने भी बिजनेसमैन की जो नेशनैलिटी है वो कहाँ की होगी, वो इंडियन ही होगी। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होल्डर्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन हैं उनकी नेशनैलिटी अलग अलग हो। कोई इंडियन हो, कोई अमेरिकन हो, कोई चाइनीज़ हो, जापानीज हो, सो द नेशनैलिटी मे डिफर। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनैलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। नाउ हियर द वर्ड अराइजेस, स्टेक होल्डर। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? स्टेक होल्डर्स, मैं अपने पहले के भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, स्टेक होल्डर्स उन पर्सन्स को कहते हैं जो किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस है तो उसका सिर्फ ओनर नहीं होगा, उससे जुड़े हुए और भी लोग होंगे। कोई उसका क्रेडिटर होगा, कोई डेटर्स होंगे, कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्सन उस बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं, तो दोज पीपल आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। अगेन यहाँ जब बात नेशनैलिटी की हो रही है और स्टेक होल्डर्स, आई होप इट इज़ क्लियर, द पर्सन हु आर रिलेटेड और हु आर कनेक्टेड विद द बिजनेस, दोज कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेक होल्डर्स। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो उसके स्टेक होल्डर्स भी इंटरनेशनल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हो सकते हैं, उनकी नेशनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की हो सकती है। बट अगर डोमेस्टिक बिजनेस हो रहा है, इफ़ विद इन अ कंट्री हो रहा है, तो जो नेशनैलिटी होगी स्टेक होल्डर्स की वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अगर इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है तो उसका डेटर भी इंडियन ही होगा, वो इंडियन लोगों से ही लोगों को पैसे देगा, इंडियन लोगों से ही उधार लेगा, उसके क्रेडिटर्स भी जो होंगे वो इंडियंस ही होंगे, और भी जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे जो पर्सन मिडिलमैन होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग कहाँ होंगे, इंडियन नेशनैलिटी के ही होंगे। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं तो नेशनैलिटी जो स्टेक होल्डर्स की नेशनैलिटी होगी, जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, या जो पर्सन टैक्स काट रहा है, या जो पर्सन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के होंगे। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ द वर्ड मोबिलिटी मीन्स? मोबिलिटी कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड, और ये भी अंडरस्टूड नहीं है तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ मोबिलिटी मीन्स कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरे जगह तक कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम ईजी वेन द बिजनेस इज लिमिटेड टू अ डोमेस्टिक एरिया। मीन्स अगर एक डोमेस्टिक बिजनेस है, अगर किसी कंट्री के अंदर बिजनेस हो रहा है, इसी लेवल के अंदर बिजनेस हो रहा है, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर जो है, लैंड लेबर कैपिटल जो है, उसको आप इजिली मूव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको बियॉन्ड द कंट्री जाना है, कंट्री के बाहर भी जाना है और इधर उधर भी जाना है, अदर कंट्रीज़ में भी करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबाइल कर सको, उसको मूव कर सको, उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री हर वक्त ले जा सको। तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, जितना कि डोमेस्टिक बिजनेस में ईजी होता है।
कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस द मार्केट. हेट्रोजेनिटी मीन्स यूनिकनेस, यू कैन से विविधता, डिफरेंट, कितने डिफरेंशिएशन है. तो हेट्रोजेनिटी अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करें तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स मिलेंगे. किसी का टेस्ट कुछ होगा, कोई दूसरे नेशनैलिटी का होगा, कोई कुछ प्रेफर करेगा, सबके प्रेफरेंसेस, सबके टेस्ट अलग अलग होंगे. बट अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो जो हेट्रोजेनिटी है कस्टमर की वो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस कम जाती है. यहाँ पर इतना ज़्यादा हेट्रोजेनिटी नहीं होता है जितना कि हेट्रोजेनिटी आपका इंटरनेशनल मार्केट में होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस. अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ के जो सिस्टम्स होंगे, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सब बिल्कुल अलग होंगे. वहाँ के बिजनेस करने का तरीका जो होगा वो आपकी कंट्री से अलग होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी. पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की गवर्नमेंट अलग होगी, वहाँ के रूल्स अलग होंगे, वहाँ के पॉलिसीज अलग होंगी, सब कुछ डिफरेंट होगा. और जिस कारण रिस्क भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होता है और नेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में सेम होता है. बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट गवर्नमेंट है, वहाँ की टैक्स पॉलिसीज अलग होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट बायर्स को अलग तरह से परमिशन देंगे. कुछ को परमिशन हो सकता है, कहीं कहीं ना भी मिले, कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें इलीगल हो बिजनेस करना. तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं. और इंटरनेशनल बिजनेस में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं. अगर आप नेशनल बिजनेस कर रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की छोटी बहुत थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ में चेंजेस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, नाउ सेम थिंग. अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो आप रुपीज में ही करेंगे, या तो आप डॉलर में लाकर के बिजनेस करेंगे नहीं. बट अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप यूएस जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो देयर यू नीड फॉरेन करेंसीज, वहां आपको चाहिए होगा. और वहां जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो भी आपकी जो इनकम होगी वो फॉरेन करेंसी में ही होगी. तो वहाँ पर जो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में, नेशनल बिजनेस में जो करेंसी है वो सेम रहती है. So this is all for today. If you like the video, don't forget to subscribe my channel and like the video and share as much as possible. Thank you.